22 में 22 साइकिल की समाजवादी पार्टी की जो रथ यात्रा है वो निकल चुकी है और तमाम जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां भाजपा का लगातार ये कहना है कि इस बार 400 के पार, पर समाजवादी पार्टी भी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की अंतिम यात्रा निकालने की तैयारी जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से करेगी। साइकिल की तैयारी हो चुकी है, यात्रा निकल चुकी है, भाजपा का ये दावा है कि इस बार 400 के पार। देखिए, हम यात्रा पे निकले हैं, पूरा पूर्वांचल घूम के आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिले, अब बॉर्डर पे आ गया हूँ, आवाज हापुर में हूँ, और जिस तरीके का जन समर्थन और जन सैलाब सड़कों पे निकल रहा है उससे मैं पूरे भरोसे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की बनने जा रही, और माननीय अखिलेश यादव जी 12 तारीख से निकल रहे हैं विजयी रथ यात्रा के माध्यम से। गाँव, गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित सब की आवाज उठाने के लिए निकल रहे हैं और अन्यायी अत्याचारी सरकार को हटाने के लिए निकल रहे हैं, और ये यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक बीजेपी की अंतिम यात्रा नहीं निकल जाएगी। बीजेपी की अंतिम यात्रा जब तक नहीं निकल जाएगी तब तक ये रथ यात्रा चलती रहेगी, क्योंकि अभी लखीमपुरी कांड में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, ये आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी जो है सड़कों पर सियासत कर रही है, इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो कि भाजपा के नेताओं का लगातार बयान है। ये बीजेपी को बड़ी घटना नहीं लगती? कितने किसानों पे सत्ता के नशे में चूर मंत्री के बेटे ने रौंदने का काम किया, हत्या करने का काम किया, एक पत्रकार साथी की रमन कश्यप की हत्या करने का काम किया, ये उनको मामूली घटना लगती है? ये संवेदनहीन सरकार हो गई है, इस सरकार को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, राष्ट्र उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, और जो मृतक है उनको 2-2 करोड़ रुपए देना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए, और मंत्री को भी गिरफ्तार करना चाहिए, मंत्री को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, पर अभी तक ना तो इस्तीफा हुआ है, और जो तस्वीरें उनके बेटे की जेल प्रशासन से सामने आई है तो वो जलेबी समोसे खिलाते हुए पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। 2022 में जनता इनका इस्तीफा ले लेगी और इनको सत्ता से बेदखल करके माननीय अखिलेश यादव जी को लाने जा रही है। अभी आप देखना, 2-3 महीने बाद आचार संहिता लगेगी और माननीय अखिलेश यादव जी निकल रहे हैं, जिधर से निकलेंगे उधर सफाया होते चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने किसानों को परेशान किया, नौजवानों को परेशान किया, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण खत्म किया, संविधान के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं इनकी बदहाल है, कोरोना काल में देख लिया, सभी मोर्चों पे विफल है, अब उत्तर प्रदेश की जनता इनको हटा के माननीय अखिलेश यादव जी को लाएगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे राज्यपाल कश्यप जी, और 22 में 22 साइकिल का नारा, जिस तरीके से जन समर्थन अखिलेश यादव को मिल रहा है, उसने भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा रखी है।